हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबिका प्रसाद। फिर से आपको स्वागत करता हूं ई सोशल अपडेट पर। जैसे मैंने आपको कहा था, 2 या 3 दिन के अंदर आपसे मिलने आऊंगा, वैसे ही मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हूं इलेक्शन 2024 को लेकर। ये इलेक्शन 2024 सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्ष को लेकर, क्योंकि विपक्ष अपना अस्तित्व इस इलेक्शन में बरकरार रख पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि 2019 इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को केवल चंद सीटों की वजह से विपक्ष का मान्यता मिलने से चूक गया था, और बीजेपी के द्वारा दया में उसको विपक्ष दल का मान्यता मिला, इसीलिए वो विपक्ष का मान्यता पा सका। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन जो बना है, 26 जुलाई 2023 में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो 26 दल बैठकर आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और आप जैसे बहुत दल, डीएमके और भी बहुत सारे दल जो है, जो मिलकर विपक्ष में इंडिया गठबंधन बनाए हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। और वो राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे कि विपक्ष में जो गठबंधन है इंडिया में, आम आदमी पार्टी और टीएमसी अपने राज्य में खुद ब खुद बिना किसी शर्त में निर्वाचन लड़ना चाहते हैं, ये कितना बड़ा धोखा हो सकता है। चौथा पॉइंट हम चर्चा करेंगे कि कैसे भारत के सेंट्रल एजेंसियों को बीजेपी के द्वारा गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम जो विपक्ष आज तक लगातार आया है, वो क्या होने जा रहा है, वो भी आज चर्चा करेंगे। और भारत में सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरने वाले बीजेपी वर्सेस दक्षिण भारत के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन के बारे में। इंडिया गठबंधन को जब बनाया गया तो इसका सबसे पहला मकसद था बीजेपी के साथ लड़ना, लेकिन ये तब बिखर गया जब उनके प्रधानमंत्री के प्रार्थी के रूप में नीतीश कुमार को कहने के बजाय किसी दूसरे, यानी कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहने के बजाय नीतीश कुमार को कहना था, इसलिए बाद में नीतीश कुमार जी जब यहाँ पे ओवर जाते हैं और पलटकर हमारे पलटूराम चाचा फिर से एनडीए के मेंट में आ जाते हैं, तब बहुत बड़ा झटका एनडीए के मेंट को लगता है। कुल मिला के बिहार में जो 40 सीट है लोकसभा में, वो अभी देखने वाला होगा कि वो 40 के 40 सीट एनडीए और नीतीश कुमार की दल को मिलती है या फिर आरजेडी को मिलती है, जो कि लालू यादव और उनके बेटे का है। तो फिर देखते हैं। बिहार के बाद अभी बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा जारी की गई थी ईडी सीबीआई के द्वारा छानबीन चल रही थी, तभी अजीत पवार ने अपना दल बदलकर, दल तो नहीं बदला, हालांकि गठबंधन में वो आ गए शिवसेना और बीजेपी के और उप मुख्यमंत्री बन गए। जब वो ये बन गए तो उनके सेंट्रल एजेंसियों की जांच बंद हो गई। तो ये भी कहने वाला होगा कि महाराष्ट्र में राजनीति के तौर पर वहां के लोग क्या कहने जा रहे हैं और इस बार वो कौन सी दल को वोट देंगे, इस शिवसेना को, उद्धव ठाकरे के शिवसेना को वोट देंगे या फिर दूसरे शिवसेना को वोट देंगे जो कि बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार अभी तक गठन करके आ रही है। दूसरी ओर से कहेंगे तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक चर्चे में है, जो कि सबसे बड़ा पहला ये है कि भारत में विपक्ष को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत न्याय जोड़ो यात्रा को चला रहे हैं, जो कि 2022 से अभी तक चलती आ रही है। वर्तमान का जो यात्रा है वो राहुल गांधी का डिपेंड ये हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष को कैसे मजबूत कर सके और इंडिया गठबंधन को मजबूत कैसे करे, क्योंकि यदि न्याय जोड़ो यात्रा में यदि कुछ सफलता मिलता है तो वो एनडीए के खिलाफ जाएगा। लेकिन जब तक वो ये बयान चलता जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि बीजेपी इस बार 400 पार कर लेगी, लेकिन दूसरी छोर से बोल राहुल गांधी चला रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो एक ओर से अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता 400 पार, दूसरी छोर से अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि एनडीए को हराना, ये दोनों एक आपसी झगड़ा होने के तरीका एक समझ में नहीं आ। दूसरी छोर से बात करें तो तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया गठबंधन में एक दृढ़ पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में दिल्ली और पंजाब में दो राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, फिर टीएमसी जो ममता बनर्जी है वो वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार चला रही है, उन्होंने फिर से इंडिया गठबंधन में घोषणा कर दिया कि वो खुद ब खुद अपने आप में किसी भी तरीके से भी समझौता ना करके, सीट का बंटवारा ना करके अपने आप में इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा सख्त झटका हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए और विपक्ष के अस्तित्व के लिए, क्योंकि इस विपक्ष में एक बिखरा हुआ है। जैसे कि कोई विपक्षी का नेता कहता है कि मैं इस बार खुद को खुद लड़ूंगा, तो कोई विपक्षी का नेता कहता है कि मैं इसके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूं, और हमारे जो
नीतीश कुमार जी विपक्ष में थे, बाद में दल में छोड़कर चले जाने के कारण ये कहा कि स्टालिन जी को अपना भाषण हिंदी में लिखने के बावजूद उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने को कहा, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ के फिर से एनडीए ज्वाइन कर लिया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि बीजेपी के द्वारा सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे सीबीआई और ईडी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ इसका दुरुपयोग हुआ है, ये विपक्ष का दावा है। उसी तरह अरविंद केजरीवाल के ऊपर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये भी उनका दावा है। उसी तरह नीतीश कुमार जब 27 जनवरी को दल छोड़कर एनडीए गठबंधन में आ गए, उसी तरह लालू प्रसाद यादव के ऊपर फिर से ईडी और सीबीआई लगा दिया गया, ये भी दावा है। तो सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग करना क्या दावा कितने हाल तक निर्वाचन में पड़ सकता है और जनता इसकी क्या जवाब दे सकती है, ये भी हमको देखने का है। और दूसरी छोर से देखें तो दक्षिण भारत बनाम बीजेपी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि दक्षिण भारत के 5 प्रमुख राज्य देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हमारे कर्नाटका, केरला, ये 5 राज्यों में बीजेपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जाने का दावा है। लेकिन बीजेपी का रणनीति यहाँ पर भी कार्य करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ सीटों में दक्षिण भारत के कुछ आंचलिक दलों के साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़ना चाहती है। जैसे कि पवन कल्याण का पार्टी जनसेना के साथ आंध्र प्रदेश में, और AIDMK पार्टी के साथ तमिलनाडु में, तरह कर्नाटका में JDS के साथ मेंट करने का उसका इरादा है। जैसे कि 2023 में निर्वाचन हारने के पश्चात बीजेपी का ये इरादा है कि वो JDS के साथ मेंट बनाकर दूसरी बार या तीसरी बार वो फिर से इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो भी लोकसभा इलेक्शन। और केरले में जो हमारे श्री विजयन कम्युनिस्ट दल के मुख्यमंत्री है, वहां पर वो क्या अपना दाव खेलना चाहती है वो बीजेपी को पता है। और उसी तरह से पूर्व भारत में भी बीजेपी का अपना एक लहर चलता है। उत्तर भारत में तो देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हर तरफ बीजेपी अपना सीट को बरकरार रखना चाहता है। और दूसरी तरफ राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर प्रस्तुत हुआ है, वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बना हुआ है। 22 जनवरी 2024 को लोकार्पण हुआ है, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा होने वाला है, क्योंकि बहुत सालों से चले आ रहे राम मंदिर, एक बहुत ही बड़ा निर्वाचन इश्तेहार हो सकता है। राम मंदिर के बन जाने के पश्चात बीजेपी को ये बहुत सारे उम्मीद है कि वो इस बार बीजेपी 400 पार, और इसको लेकर बीजेपी अपना पहला पार्थिव पत्र भी घोषणा कर चुका है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से लड़ने जा रहे हैं और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी गांधीनगर गुजरात से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अपना पार्थिव पत्र यानी कि जो कैंडिडेट जल्दी जल्द घोषणा करने वाला है या नहीं करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हाल ही में 2 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। और हम आप सभी को कहते हैं कि इस बार आप इलेक्शन में जब भी वोट देने जाएंगे और जब भी वोट देने के पहले जो भी बटन दबाने चाहेंगे, उससे पहले ना कि सिंबल को आप देखेंगे बल्कि वो व्यक्ति को देखेंगे कि वो व्यक्ति आपके लिए जरूरी है, वो व्यक्ति आपके भविष्य के लिए काम कर सकता है, वो व्यक्ति आपके भविष्य को निखार सकता है, या वो व्यक्ति उस किसी भी गुण में लायक नहीं है तो वो वोट नहीं देंगे। चाहे वो भाजपा का हो, या चाहे वो कांग्रेस का हो, या फिर चाहे वो आपके किसी आंचलिक दल में हो, या चाहे वो कितने भी प्रभावी हो, यदि वो आपके भविष्य को निखार नहीं सकता, आपके कोई काम नहीं आ सकता, तो आप उसको वोट मत देकर एक सही चुनावी ढांचे का पालन करके सही प्रार्थी आप चयन करेंगे। इतना कहकर मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि इस बार जो निर्वाचन होगा वो अच्छी तरीके से होगा, सही माध्यम से होगा। बहुत खुशखबरी ये है कि AI के माध्यम से इस बार निर्वाचन होने जा रहा है। बस फिर हम मिलेंगे दूसरे भाग में इसके। बहुत बहुत धन्यवाद, दूसरे भाग में बने रहिएगा। जय हिंद।